क्या बंगालीज रोज फिश खाते हैं? बंगालीज हर डिश में फिश खाते हैं? क्या बंगालीज सिर्फ फिश ही खाते हैं? जी हाँ, बंगालीज ना बहुत ज़्यादा फिश खाते हैं। एनीवेज, मैं फिर से आज आप लोगों के साथ एक फिश का डिश शेयर करने वाली हूँ। जैक फ्रूट बनाने वाली हूँ, रॉ जैक फ्रूट विथ प्रॉन्स। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ टेल्स लोपा। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो रॉ जैक फ्रूट और दो मीडियम साइज पोटैटो को मैंने क्यूब साइज पे कट करके रख दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है प्रॉन्स, एक पाव प्रॉन्स लिया है, उसको नमक और हल्दी पे मिक्स करके रखा है। और यहाँ पे मैंने लिया है दो तेज़पत्ता, थोड़ा सा होल जीरा, दो सूखी लाल मिर्च और होल गरम मसाला, इलायची, दालचीनी और लौंग। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ ग्रीन चिलीज़ और एक टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक बड़े से टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है और एक इंच अदरक को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है और सबको मैं गर्म पानी में कुछ देर के लिए भिगो के रख दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें प्रॉन्स डाल दूंगी, हल्का सा फ्राई कर लूंगी। प्रॉन्स मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, अभी ये जो बचा हुआ ऑयल है इसमें मैं ये जो होल मसाला मैंने रखा था वो इसमें डाल दूंगी। इसको अभी एक मिनट तक फ्राई करना है। होल मसाला एक मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे जैक फ्रूट और पोटैटो डाल दूंगी, इसको भी अभी दो तीन मिनट तक फ्राई कर लेना है। अभी ये थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं ये भिगोया हुआ मसाला इसमें डालूंगी। अभी पूरा मसाले को ऑयल छोड़ने तक पका लेना है। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक टेस्ट और हल्दी। ये मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई हो गया है, ऑयल पूरा छोड़ लगा है, आप देख सकते हो। अभी मैं इसमें जो मैंने फ्राई किया हुआ प्रॉन्स रखा था वो इसमें डाल दूंगी और अभी इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी। ये पूरा हो गया है, अभी मैं इसमें डालूंगी घी और गरम मसाला। इसको अभी थोड़ा सा मिक्स कर लेना है।
आज लंच के टाइम पे ना मैं शूट ही नहीं कर पाई। एक्चुअली खाना बनाते बनाते बहुत लेट हो गया था। जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना प्रॉन्स जैकफ्रूट रॉ जैकफ्रूट के साथ, वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्चुअली उनको प्रॉन या फिश किसी सब्जी में डाल के उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। फिश अलग से पसंद है, सब्जी अलग से पसंद है, लेकिन दोनों एक साथ उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, जैकफ्रूट की सब्ज़ी अलग से फिर से उनके लिए बनाना पड़ा। और मेरी बेटी को भी पता नहीं एलर्जी हो सकता है, इसीलिए अभी तक मैंने उसको प्रॉन्स नहीं दिए, तो उसके लिए भी मुझे अलग से बनाना पड़ा। तो इसीलिए दो दो रेसिपी बनाना पड़ा, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। अभी है शाम के टाइम, तो अभी सोच रही हूँ कि सबके साथ थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। और रात के टाइम पे ना जो प्रॉन्स वाला जैकफ्रूट है वो नहीं खाऊंगी, जो विदाउट प्रॉन्स जैकफ्रूट है उसको और थोड़ा सा सोयाबीन है उसके साथ चपाती बना लूँगी, रोटी या चपाती। रोटी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मेरे लिए थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको चपाती बना लूँगी और सबके लिए शायद रोटी बना लूँगी। तो यही प्लान है अभी शाम का। तो चलिए पहले करते हैं चाय की प्रिपरेशन। ये स्नैक्स एक्चुअली मेरी बेटी के लिए है, 3 डेट्स, कुछ ब्लैक रेजन्स और कुछ नट्स। नट्स के बिना मेरी बेटी कुछ भी नहीं खाएगा, खाएगी एक्चुअली। तो दिस इज स्नैक्स फॉर माई डॉटर। मम्मी ना ये वाला पराठा बनाने में एक्सपर्ट है। प्लान चपाती का हुआ था, लेकिन प्लान बदलते बदलते लास्ट में पराठा ही बन रहा है। सो ये है आज का हमारा डिनर। डिनर हो गया है, मैं फ्रेश होके ब्रश करके भी आ गई हूँ। अभी मेरे हस्बैंड एक मूवी चला रहे हैं, कुछ हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर मूवी है, तो आज वही देखेंगे हम दोनों अभी। फिर उसके बाद सोने जाऊँगी, आज फ्राइडे है कल सैटरडे है, सो कल छुट्टी है, उठने की ज़्यादा जल्दी भी नहीं है, तो इसीलिए। एनीवेज मैं इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय।